Good morning and Jai Sri Swaminarayan. Myself Goel Satish from Sajanand English Serum School, Nath H, Etona. I am taking your Hindi of Standard 7. आज हम अपने हिंदी कोर्स का पहला पाठ यानी पहला इकाई चित्र के संग ये चित्र पाठ हम समझेंगे. सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पर दिखाए गए फोटो में यहाँ पर दिखाया गया जो चित्र है इसको आपको अवलोकन करना है. अवलोकन करना मीन्स ऑब्जर्वेशन करना. सबसे पहले तो आप ये पूरा चित्र ऑब्जर्वेशन कर लीजिए कि क्या है इसमें, कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, लोग क्या कर रहे हैं, ये सब आपको इसमें ऑब्जर्व करना होगा. ऑब्जर्व करने के बाद हम नीचे दिए कुछ क्वेश्चन और आंसर मतलब सवाल और जवाब के आपको बोलेंगे. यहाँ से आप चित्र को बराबर ध्यान से देखना, कौन क्या कर रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है, कौन क्या कर रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है, ये सब आपको ध्यान से देखना होगा. बराबर ध्यान से चित्र देखना, एक भी चित्र में चित्र के कोने में से एक भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, सब कुछ ध्यान से देखना है. सभी बच्चों ने ध्यान से देख लिया, तो अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं और जो नीचे दिए जो सवाल है उसके ऊपर जरा गौर फरमाते हैं. सबसे पहले तो क्या है कि पहले चित्र में यहाँ पर दो चित्र हैं, लेकिन सबसे पहले हम पहले चित्र की बात करेंगे कि ये पहले चित्र में नहीं समझना है, हमें ये समझना है कि चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है. तो देखो चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है. सबसे पहले देखा जाए तो रोड के ऊपर सड़क के ऊपर एक मोटरसाइकिल जा रही है, उसके पीछे एक रिक्शा जा रही है, उसके पीछे दो मोटर गाड़ी हमें दिखाई दे रही है. अगर रोड के कोने में देखिए तो एक मोची बैठा है जो जूते चप्पल सिलने का काम करता है. पास में ही उसके पास में एक कुत्ता सोया हुआ है. पास में देखो तो जो मोची बैठा है उसके पीछे गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है. उस गुब्बारे वाले के पीछे ही देखो तो एक कुंजडिन, कुंजडिन मतलब सब्जी बेचने वाली, वो जा रही है. उसके ऊपर देखो तो एक स्टैंड के ऊपर एक तोता बैठा है. और बाजू में ही देखो तो एक भाई साइकिल के टायर में क्या भर रहा है, हवा भर रहा है. ये सारी क्रिया हमें बराबर देख ली, बराबर है. ये पहले प्रश्न का आंसर है कि चित्र में क्या हो रहा है. अभी दूसरा प्रश्न देखो, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं. अगर गुब्बारे के अंदर सादी हवा भरेंगे तो गुब्बारे हवा में नहीं उड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो गुब्बारे में क्या होता है, गैस भरा हुआ है, गैस भरने के कारण ये गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं. तीसरा प्रश्न क्या है कि ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है. ट्यूब, ये ट्यूब क्या होता है कि जो साइकिल का टायर होता है उसके अंदर एक ट्यूब आती है, उसमें हमें हवा भरनी चाहिए. उसमें हवा कब और क्यों भरी जाती है, कभी कभार हमारी साइकिल का टायर पंचर हो जाता है तो उसकी सारी हवा निकल जाती है तो उसमें हवा भरनी पड़ती है. कभी कभार हमने दो चार दिन पाँच दिन के लिए साइकिल का इस्तेमाल नहीं किया है तो हमें साइकिल है उसमें हवा भी बराबर भरनी चाहिए. अगर हवा बराबर भरेंगे तो ही हम साइकिल बराबर से चला पाएंगे. चौथा प्रश्न है, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है. देखा आपने चित्र में कुत्ता है वो मुंह लटका कर लेटा है जैसे नाराज हो, वैसे वो उसके तो कई सारे कारण हो सकते हैं कि कुत्ता ये मुंह लटका कर क्यों बैठा है, सो गया है. तो तीन चार कारण में से मैं आपको एक दो कारण बताता हूँ. सबसे पहला कारण कि कुत्ते को कई दिनों से खाना नहीं मिलेगा, मतलब कि वो भूखा होगा. दूसरा ये होगा कि उसको कहीं पाँव में या कहीं अपने शरीर के कोई भी हिस्से में चोट आई होगी इसलिए भी वो मुंह लटका कर लेट गया होगा, या कोई ने इसको जोर से मारा होगा तो भी वो मुंह लटका कर लेट गया होगा, या अपने मालिक से जुदा हो गया होगा, उसने अपने मालिक ने उसे घर से निकाल दिया होगा तो वो नाराजगी के कारण भी वो कुत्ता वहाँ पर लेट गया होगा. ऐसे कई सारे कारण है जिसकी वजह से वो कुत्ता वहाँ पर लेट गया है. अभी पांचवा प्रश्न है, कुंजडिन सब्जी बेचने वाली, कुंजडिन मतलब सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है. हम अभी घर पर है, बराबर है, हम कई महीनों से लॉकडाउन के कारण घर पर बैठे हैं तो हमने कई बार देखा होगा कि कई सब्जी बेचने वाले हमारे घर के आसपास आते हैं. लेकिन जब ये लॉकडाउन नहीं था तब कुंजडिन मतलब सब्जी बेचने वाली सबसे पहले तो कहाँ जाएगी, सब्जी मंडी में, वहाँ पर सब्जी बेचने जाएगी. कई सारी कुंजडिन होती है वो सब्जी मंडी में नहीं जाती, लेकिन वो कहाँ जाती है, अपने अलग अलग गांव के इलाके में चली जाती है. कभी कोई मोहल्ले में जाती है, कभी एक दूसरे मोहल्ले में जाती है, कोई है
वो क्या बोलते हैं उसको, रेकड़ी लेकर घूमती है, वो सब अलग अलग टाइप की सब बेचने जाती है। यहाँ पर देखो तो कुंजरिन क्या है, अपने सिर के ऊपर एक टोकरी रखी है, उसमें उसने फल फला दिए और सब्जी आकर लेकर वो जा रही है। छठा प्रश्न है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? ये भी एक सोचने लायक प्रश्न है कि रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। तो वो यात्री, उसका जवाब होता है कि वो यात्री अकेला होगा या वो यात्री के साथ दूसरा कोई होगा नहीं। सपोज़ रिक्शा वाले को दूसरा कोई यात्री रास्ते में मिला नहीं होगा, इसके कारण भी वो रिक्शा में अकेला बैठा है। अब थोड़ा हम नीचे जाते हैं, दूसरे पेज के ऊपर जाते हैं, और यहाँ पर भी एक चित्र दिया गया है, बराबर है। तो वो चित्र का हमें बराबर अवलोकन करना है, अवलोकन मीन्स ऑब्जर्वेशन करना है। देखो पूरे चित्र को आप ध्यान से देखो, पहले चित्र में और दूसरे चित्र में बहुत सारे फर्क है, बहुत सारा फर्क है, जो कई कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी क्रियाएं जो उसमें नहीं हो रही थी वो इसमें हो रही है। अब दो मिनट का समय लेके अवलोकन कर लीजिए, सबने अवलोकन कर लिया होगा आई थिंक। चलो अब उसके भी नीचे सवाल दिए गए हैं, तो उसका भी हमें क्या है, अपने तरीके से जवाब देना है। मैं आपको यहाँ पर अपने तरीके, मैंने तरीके से जो मैंने सोचे हैं वो आंसर मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। तो पहले टायर फटने पर क्या क्या हुआ, सबसे पहला प्रश्न है टायर फटने पर क्या हुआ। हमने पहले चित्र में देखा तो एक आदमी टायर में क्या कर रहा था, हवा भर रहा था। अब वो टायर फटा क्यों, तो उसने गलती से क्या कर ली, टायर में ज़्यादा हवा भर ली, इसलिए क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, टायर फट गया। अब टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, तो देखो वो मोटरसाइकिल रोड के ऊपर, देखो आप सड़क के ऊपर देखो तो मोटरसाइकिल और रिक्शा का एक्सीडेंट हो गया। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि टायर फटने के कारण मोटरसाइकिल वाले ने अचानक से ब्रेक लगा दी सड़क के ऊपर, इसलिए उसके पीछे जो रिक्शा आ रही थी वो उसके साथ टकरा गई। बाद में देखो तो कुत्ता जो मुंह लटका कर सोया हुआ था वो टायर फटने की आवाज़ से वहाँ से वो डर कर खड़ा होकर भाग गया। अभी हमने देखा था कि टायर भरने के वाले के पास ही एक स्टैंड के ऊपर एक तोता बैठा था, तो वो भी धमाके की आवाज़ से क्या हुआ, डर कर उड़ गया। और कुंजड़िन की देखो, कुंजड़िन के सर से टोकरी गिर गई है और सारे फल फलादी सब्जियाँ क्या हो रही, नीचे गिर रही हो ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो उसके कारण क्या हुआ, टायर फटने की आवाज़ से कुंजड़िन डर गई और अपना संतुलन मतलब कि अपना बैलेंस खो बैठी, इसके कारण उसके ऊपर जो उसके सर के ऊपर जो टोकरी रखी थी वो नीचे गिर गई। गुब्बारे वाला भी डर गया, उसके हाथ से गुब्बारे भरी गुब्बारे जिसमें उसने बांधे थे वो लकड़ी छूट गई और गुब्बारे सारे हवा में उड़ गए। जो मोची चप्पल सिलने के लिए बैठा था वो भी टायर फटने की आवाज़ से डर गया और सीधा वो जंप लगा कर कहाँ आ गया, सड़क पर आ गया, क्योंकि वो डर गया था। दूसरा प्रश्न है टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों का नाम बताइए। टायर के अलावा कौन कौन सी चीज़ें फट सकती है, तो फटाके फट सकते हैं, बराबर है। हम कोई भी चीज़ में ज़्यादा टायर बराबर, गैस जो हमारे घर पर LPG सिलेंडर होता है वो भी फट सकता है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो फट सकती है। थर्ड, हमने रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया, रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया। हमने पहले बताया, वापस बता देता हूँ मैं, कि टायर फटने से जो सड़क के ऊपर बाइक जा रही थी वो डर गया, उसने अचानक से धमाके की आवाज़ सुनकर क्या कर ली, अपनी मोटरसाइकिल की ब्रेक लगा ली। इसके कारण रिक्शा वाला उसके पीछे पीछे आ रहा था, उसको पता नहीं था कि ये मोटरसाइकिल वाला अचानक से ब्रेक लगाएगा, तो उसने मोटरसाइकिल वाला अचानक से ब्रेक लगाई लेकिन रिक्शा वाला ब्रेक लगाना भूल गया और दोनों की क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा, यहाँ पर सब चीज़ें हमने देख ली, सबका सबके ऊपर जो भी इंसान थे जानवर थे उसके सबके ऊपर प्रभाव पड़ा टायर फटने का। लेकिन जो निर्जीव चीज़ें हो जैसे कि पेड़, पेड़ है लेकिन सजीव, लेकिन वो कहाँ जाता है, वो एक ही जगह पर रहते, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सामने आप देखो तो बिल्डिंग में तीन आदमी खड़े हैं, उसके ऊपर भी टायर फटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मोची क्यों रास्ते पर आ गया, जो चप्पल सिलने वाला मोची था वो क्यों रास्ते पर आ गया, तो हमने देखा कि टायर फटने की आवाज़ से जो धमाका हुआ उसके कारण वो डर गया, उसको लगा कि आसपास में बम फटा, इसलिए वो डर के मारे सीधा जंप लगा कर कहाँ आ गया, रास्ते के ऊपर आ गया। तो हमने दोनों चित्र बराबर से देखे, दोनों चित्र बराबर से हमने उसका स्टडी किया, बाद में दोनों चित्र के जो क्वेश्चन आंसर थे उसका हमने जवाब दिया, बराबर है। अब यहाँ पर नीचे टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की, आप भी ऐसी कई आंखों देखी घटना के बारे में बताए, तो हमें ये खाली घटना जो है नीचे दिया गया है तीसरा प्रश्न, वो हमें कहीं लिखना नहीं है, हमें उसके बारे में कुछ करना नहीं, जस्ट हमें हमारे हमने कभी ऐसी कोई घटना देखी हो टायर फटने की और आसपास का क्या रिएक्शन है वो हमें बराबर देखना
है कि उसमें क्या हुआ। बाद में है कि चित्र में देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, चित्र में देखकर प्रश्नों के उत्तर, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए, रबर से क्या क्या बनता है, चित्र में से प्रश्न के उत्तर देने। हमें रबर से चीज़ें तो बहुत सारी बनती है, लेकिन जो चित्र में कौन कौन सी रबर की चीज़ें हैं वो हमें लिखनी है। तो सबसे पहले टायर बना, बराबर है, ट्यूब बनती है, बाद में मोची चप्पल सिलते हैं, मोची चप्पल बनाते हैं तो उसके नीचे का चप्पल का जो सोल होता है वो भी रबर से बना हुआ होता है, गुब्बारे होते हैं वो भी रबर से बने हुए होते हैं। टायर फटने से पहले क्या हो रहा था, टायर फटने से पहले पहले चित्र में देखा कि सभी क्रिया क्या थी, नॉर्मल थी, सभी लोग अपनी अपनी क्रिया नॉर्मल तरीके से कर रहे थे। और टायर फटने के, टायर क्यों फटा कि साइकिल, वो आदमी ने साइकिल में टायर में हवा भर रहा था और गलती से ज़्यादा हवा उसने भर ली। टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, तो टायर फटने के बाद सभी जो अपनी क्रिया कर रहे थे वो सब क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए, इसलिए सारी क्रिया है वो अस्त व्यस्त हो गई। कुंजड़ी के सर के ऊपर से उसकी टोकरी गिर गई, गुब्बारे वाले के गुब्बारे छुड़ गए, मोटरसाइकिल और रिक्शा है वो आपस में टकरा गए, कुत्ता डर कर मारे भाग गया, तोता उड़ गया, मोची रास्ते पर आ गया, ये टायर फटने के बाद ये सब क्रियाएँ हुई। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट यू आर गॉट ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर एंड ऑल द सिचुएशन ऑफ दिस पिक्चर दैट यू अंडरस्टैंड। इफ एनी डाउट देन सॉल्व योर ओन सेल्फ।